फरीदाबाद सेक्टर 16 में अनाज मंडी का निरीक्षण करने के लिए उद्योग मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। मौके पर सभी अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जी ने बताया कि अनाज मंडी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसे संपूर्ण किया जाएगा। यह सरकार गरीब के हित की सरकार है, जिसमें गरीबों के कल्याण के लिए सभी काम किए जाएंगे। फरीदाबाद में सभी अनाज मंडियों का निरीक्षण किया जाएगा। सफाई को लेकर मंत्री जी ने कहा कि यह सफाई केवल मंडी में ही नहीं, सभी लोगों को अपने पास भी रखनी चाहिए, ताकि नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को साकार किया जा सके। वहीं मंत्री जी ने कांग्रेस विधायक ललित नागर के घर विगत दिनों पड़े ईडी के छापे के बारे में बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार बार बार एक ही बात दोहराती आ रही है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज मंडी के अंदर दौरा किया, स्मूथ काम चल रहा है, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं। व्यापारी भाइयों से, किसानों से सबसे बात हुई है, सबने कहा हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली काम चल रहा है, और परचेज करने में, लिफ्टिंग में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। कुछ कमियां, कुछ खामियां तो मिली? कोई कमी और कोई खामियां नहीं मिली। साफ सफाई की देखो, ये निरंतर प्रक्रिया है। अगर एक दिन सफाई ना करो तो शाम तक कूड़े के ढेर लग जाते हैं। ये रोज करने वाला काम है, इसमें प्रशासन खाली काम नहीं कर पाएगा। मैं सब लोगों के सामने कहता हूँ, बार बार कह चुका हूँ, जो लोग हैं, जो लोग गंदगी, जिनकी वजह से, जो हम खुद हैं, अगर अपने घरों का, अपने दफ्तरों का, उसके चारों तरफ का ध्यान नहीं रखेंगे तो सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको, हमने कई बार प्रतिज्ञा ली है, प्रण ली है, और मैं यहाँ से भी कैमरे के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को कहना चाहूँगा कि सफाई अभियान कोई सरकार का अभियान नहीं है, ये हमारा सबका अभियान है, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर। परसों ईडी का छापा जो पड़ा था ललित नागर जी के यहाँ, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैंने कहा ना, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, जो दोषी है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। बाकी किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदता की वजह से या आपसी प्रतिद्वंदता की वजह से हमारी सरकार कोई काम नहीं।